ये रहा बिहार सरकार का पानी मार्ग। एक तरफ जो है सरकार सड़क चमका रही है, दूसरे तरफ देख रही है कि ये जो हालत बनी हुई है इसको हम लोग पानी मार्ग कह सकते हैं। बिहार में हर साल भागलपुर, बेगूसराय सहित कई जिलों में भयंकर बाढ़ आती है। इस साल बिहार के 15 जिले और 690 पंचायत बाढ़ से ग्रसित हैं। अभी तक जमीन पर सरकार की कोई भी मदद नहीं पहुंच रही है, लेकिन मुख्यमंत्री राहत कोष में 100 करोड़ से भी अधिक राशि डोनेट की जा चुकी है। देखिए, ये पानी जो है ना, अभी तक मतलब जिससे पूछते हैं, जो अभी जैसे प्रकाश बाबू हुए, इनके मतलब इनके होश में, और मेरे मैं तो कभी देखा ही नहीं। अच्छा, अच्छा। ये भी नहीं देखे, बोल रहे थे कि सबसे बड़ा बाढ़ जो है 76 में, 76 में हुआ, 87 में हुआ, वो दोनों से ज्यादा 16 में हुआ था। अच्छा। लेकिन उससे भी ज्यादा है ही 21 में। और यहाँ जो है प्रॉब्लम ये है कि कम से कम 16 में आया था, पूरा रोड जो था नहीं, पूरा रोड ये रोड सूखा हुआ था, जहाँ तक पानी है तो दिक्कत उतना नहीं हुआ था। अच्छा। घर मकान डूब गया है, जितना फसल था वो सब खत्म हो गया है। अच्छा। सरकार जो रहा सामग्री दे रही है, जो आर्थिक मदद कर रही है, आप लोगों तक पहुंच रही है? पहुंच रहा है, अभी चालू ही किया, जब बाढ़ घटने लग गया पानी तो आपसे चालू ही किया कर रहा। जब आप लोग की जरूरत थी, जब आप लोग तबाह थे, जब दिक्कत था, उस समय आप सरकार किसी तरह से मदद नहीं कर रही थी? उस समय किसी तरह से मदद नहीं मिली। बाढ़ से 37,75,000 की आबादी प्रभावित है, लेकिन राहत शिविर की संख्या सिर्फ 72 है और 1,047 सामुदायिक किचन प्रभावी रूप से चल रहे हैं। तो सरकार के द्वारा जो राहत सामग्री बांट रही है इस बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए, आप लोग को मिला? बहुत लोगों का मिल रहा है, बहुत तक नहीं मिल रहा, जो मुख आदमी है। अच्छा। जो चिन्ह परिचित का आदमी है, नेता का। अच्छा। उन्हीं को दे रहा, जो गरीब लोग है। अच्छा। उसको नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। ठीक ना, लाभ नहीं हो रहा है। मुख लोग है नेता का, उन्हीं को दे रहा है। गरीब जो सबसे गरीब लोग है उसको नहीं दे रहा, कुछ नहीं। उन लोगों को नहीं जो छत पर रह रहा है, बांध पर रह रहा, कहीं भी रह रहा है, उसको कुछ भी राहत नहीं मिल रहा। अभी तो बहुत समस्या है सर, हमारे गांव के पूरा डूब चुका है और बहुत समस्या है कि हम लोग किसी तरह बांध पर हर हर फंस गया है सर, टूट फूट भी गया है हमारे, अपना बांध पर रह रहे हैं, किसी तरह गुंजाश कर रहे हैं, किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। हालत खराब है जी। सरकार जो राहत सामग्री दे रही है, आपको मिला है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन हम लोग को थोड़ा ये बांध पर खाना ही मिल रहा है बस, और कुछ ही नहीं मिला है। अच्छा अच्छा। तो जो आपके घर के और लोग कहाँ रह रहे हैं? और लोग सर कोई रिश्तेदारी के पास गए हैं, कोई बांध पर है, कोई इधर उधर है, भटक रहे हैं अभी सब। अच्छा। इस बाढ़ की जो हालत बनी हुई है, खाना के अलावा दवाई दारू जो मिलता है, जब बीमार पड़ जाइएगा तो जो दवाई होती है उपलब्ध है यहाँ पे? अभी तो कुछ नहीं है, अभी दवाई नहीं उपलब्ध है। तो घर का नुकसान हुआ, अब गाय भैंस ये सब छोटा छोटा जीव जंतु था जो बाहर पहुंचा दिया। बहुत आदमी के पार करने में भी फंस गया, कहीं जंगल में फंस गया, कोई उलझ पुलझ के रह गया, किसी को क्षति हो गया, कोई मर गया, ऐसा भी हुआ है। और ले जाने ओने के लिए, आदमी के ले जाने के लिए तो नाव करीब मिल जाता है, जो भी गवर्नमेंट दिया, जैसे भी दिया, चलो ठीक है, हम लोग को आदत पड़ा हुआ है, इधर से आदमी की दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत क्या होता है कि जब आदमी जाएगा, लेकिन जानवर को भी तो बचाना पड़ेगा, उसके लिए दिक्कत होता है। बहुत गंभीर है,
बाल बच्चा हम लोग बाहर में रह रहे हैं, पन्नी तान के किसी तरह से टाइम पास कर रहे हैं, कोई उपाय नहीं हम लोग का है, गरीब आदमी का। सरकार जो है राहत सामग्री दे रही है, आपको मिला है? नहीं मिला है, नहीं पन्नी मिला, नहीं चूड़ा मिला, नहीं खिचड़ी मिला, नहीं कोई चीज भोजन नहीं मिला अभी तक। कैसे खाते पीते हैं अभी? ऐसे जीते हैं, दो दो दिन सांझ सह कर रह रहे हैं। अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि हमको पन्नी मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए, भोजन बाल बच्चा को यही सब चाहिए, कपड़ा लत्ता। क्या क्या नुकसान हुआ आपको? हमारा तो नुकसान बहुत हुआ, गाय डूब गया है, बाल बच्चा बाहर में रह रहा है, ओन पानी सड़ गया है, कोई चीज रहने का हम लोग का उपाय नहीं। बाढ़ की स्थिति तो अब तो पानी घट रहा है जी, जी। हर जगह सामुदायिक किचन का व्यवस्था किया जा चुका है। अच्छा सर, अब जो जो पानी घटेगा तो लोगों के बीच में पॉलीथीन चूड़ा का वितरण किया जाएगा, सूखा खाद सामग्री का प्रावधान है सर। और इसके अलावा भी बहुत सारे सरकार से इन बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए आती है सर, कब तक मिलने की संभावना है? वो तो पानी समाप्त होने के बाद कर्मचारी का रिपोर्ट जो आएगा उसके अनुसार किया जाएगा। तो बाढ़ स्थिति जो ऐसा है ना, से हम 4 तारीख से विजिट कर रहे हैं। अच्छा सर, लेकिन आज हम गए भी, सीओ साहब थे, विधायक जी हम थे, हमारे साथ समिति लोग थे सब, वहाँ का स्थिति बहुत पब्लिक का जो है से एकदम खराब है जी, जी। और वहाँ पब्लिक का मेन मुद्दा मांग है पलोथीन, मैंने सब छत पर रह रहा है जी, जी। मेन पलोथीन अगर नहीं मिलेगा तो अभी धूप में था, बारिश पड़ता है तो बारिश में रहता जी, जी। और खाने बनाने का वहाँ कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, सिविल चलता है लेकिन कुछ लोग खाता है कुछ लोग नहीं, तो मेन मुद्दा पब्लिक के चूड़ा के, चूड़ा चीनी और मोमबत्ती, ये सब के है, बहुत कठिन है। लेकिन आश्वासन दिए थे डीएम साहब, आज से 4-5 दिन पहले आए थे मंसरपुर स्कूल पर, तो हम साथ में मीटिंग हुआ था, तो बोले थे जो पलोथीन चलाएंगे और सिविल तो चलाए, बोले थे चल रहा है, और उसके बाद में बोले थे जो नहीं पलोथीन भी देंगे हम लोग और गांव-गांव सिविल चलाएंगे, तो गांव-गांव सिविल चलता है, पलोथीन लेकिन नहीं हुआ। मेन चीज पलोथीन जो डीएम साहब बोले थे वो अभी तक नहीं हुआ है, माने गांव में बंट। हम तो सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि सर मेरे पब्लिक है बलिया क्षेत्र का, जो बाढ़ क्षेत्र में उसका पहला नंबर सब दिन मिलता था पन्नी और चूड़ा मोमबत्ती और चीनी शक्कर, और उसके बाद में मान लीजिए जो 6,000 रुपया जो सरकार देता है ये तो मिलवे करता है, तो हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं जे सर एक नंबर में चूड़ा और चीनी चलाया जाए और पन्नी, और उसके बाद में जो नियम कानून है जो क्षतिपूर्ति के वो दिया जाए, लेकिन मेन मुद्दा अभी है पलोथीन का जी, जी, जी। मेन मुद्दा पलोथीन का और चूड़ा चीनी का, ये तो मेरे तरफ से सरकार से अनुरोध है जे दिया जाए। अभी हम बिहार के बेगूसराय जिला के बलिया प्रखंड के अलग अलग गांव पंचायत को लाइव फुटेज दिखा रहे थे किस बाढ़ के जो है रिकॉर्ड तोड़ बाढ़ जो है लोगों को किस तरह से क्षति पहुंचाई है, कई परिवार घर छोड़ के बांध का सहारा लेके किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, बहुत सारे परिवार अपने संबंधी के पास चले गए हैं, लेकिन इस क्षेत्र की जो है जनप्रतिनिधि से लेकर बिहार सरकार और यहाँ के पदाधिकारी कुछ नहीं कर रहा है, ना तो इनको रहने के लिए प्लास्टिक का पन्नी दे रहे हैं, यहीं यहाँ पे जो है कई कैंप भी चल रहा है खाने के लिए, तो रात दिन चावल मिल रहा है वो भी समय से नहीं मिल रहा है। बाढ़ पीड़ित परिवार को मदद करने के लिए जिला अधिकारी बेगूसराय को इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी बात जरूर रखें, प्रेरित जरूर करें, ताकि इस जो है बलिया क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों और गाँव के लोगों को राहत सामग्री और उनको उचित जो है संसाधन सुविधा उपलब्ध हो सके। Hey!